अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सर सऊद हूँ, लेक्चरर इन मैथमेटिक्स बहरिया कॉलेज का असास। आज से मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं हेडिंग डाल रहा हूँ लेक्चर नंबर 1, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ। आज आप लोग मेरे साथ अपना रजिस्टर खोलेंगे और साथ साथ जो भी मैं यहाँ लिखूंगा और समझाऊंगा वो आप नोट डाउन करेंगे। तो आज की तारीख भी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आज 6 जुलाई 2020 है और मंडे का दिन है। आज मैं बेसिक्स जो है सेकेंड ईयर के हवाले से आपको कोर्स में बताऊंगा। तो सेकेंड ईयर मैथ्स का कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ। सेकेंड ईयर मैथ्स में सबसे पहला जो पोर्शन है वो मैं एनालिटिकल ज्योमेट्री के हवाले से, एनालिटिकल ज्योमेट्री या फिर जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अच्छा। अब सबसे पहले स्टूडेंट्स, मैं आपको डिफाइन करूंगा कि एनालिटिकल जो ज्योमेट्री है इसकी डेफिनेशन होती क्या है। तो आप देखिएगा जरा, एनालिटिकल ज्योमेट्री या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसकी डेफिनेशन मैं यहां पे लिख रहा हूं। ज्योमेट्रिकल फिगर्स सॉल्व बाय एल्जेब्रा यूजिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले मैं डिफाइन करूंगा आपको कि ज्योमेट्रिकल फिगर्स क्या होती हैं। तो यहां देखिए, मैं रेड मार्कर से यहां पर अंडरलाइन कर रहा हूं और इसको मैं डिफाइन करूंगा यहां पर कि ज्योमेट्रिकल फिगर से मुराद क्या है। हमारे पास स्क्वायर होता है, आप लोग बचपन में पढ़ चुके हैं, रेक्टेंगल होता है, पैरालेलोग्राम होता है, सर्कल होता है, ट्राइंगल होता है, एक्सेट्रा। बहुत सारी आपके पास ज्योमेट्रिकल डायग्राम्स या फिगर्स होती हैं जो आपने ज्योमेट्री में छोटी क्लास में पढ़ी हुई है। अच्छा, अब आइए मैं डिफाइन करूंगा आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो यहां देखिएगा कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है। आप लोग बचपन से पढ़ते हुए हैं फिजिक्स में भी कि रेक्ट एंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या फिर कार्टिजन कोऑर्डिनेट सिस्टम, और आपने मैट्रिक क्लास में बहुत ही अच्छी तरीके से जो है स्ट्रेट लाइन का ग्राफ जो है ड्रॉ किया था और उसका एक सवाल लाजमी आता था। तो अब देखिए, कोऑर्डिनेट पहले मैं डिफाइन कर रहा हूँ, एक्स कॉमा वाई, ये है आपके पास कोऑर्डिनेट। इसे हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट, या फिर इसका एक और नाम होता है, इससे पॉइंट भी कहते हैं, या फिर एक और नाम होता है, इसे हम आपके पास ऑर्डर पेयर भी कहते हैं। आपको याद होगा कि आपने वहां पर लाइन के स्ट्रेट लाइन के ग्राफ में ये काम किया था कि आपने वहां पर जो है ऑर्डर पेयर्स निकाले थे स्ट्रेट लाइन के, और उसको फिर आपने जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ड्रॉ किया था। अब आइए जरा एक्स की बात कर लेते हैं बेटे। तो एक्स को हम कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट या फिर इसे कहते हैं मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में एब्सिसा।
और अगर हम वाई की बात करते हैं वाई की अगर बात करते हैं तो वाई हमारे पास कहलाता है वाई कोऑर्डिनेट या फिर बेटे कहलाता है सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट ठीक है बेटा। अच्छा अब आप ये देखिए, ये आपको क्लियर है, मैं जो हूं 2 मिनट आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और 2 मिनट आपको मैं दे रहा हूं इसको राइट डाउन करने के लिए। आप अपने रजिस्टर जो है खोल के रखिए और तमाम लेक्चर को जो है वो नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये वीडियो बन रही है, वीडियो इंशाल्लाह ताला आपको शेयर भी हो जाएगी, आप लोग जो है वो अपने लेक्चर को नोट डाउन भी करें। ठीक है बेटा अब मैं आगे बढ़ रहा हूं अपने लेक्चर की जानिब। अब हम यहां पर क्या डिस्कस करने जा रहे हैं इसको देखते हैं। देखिए बेटा, आपके पास जो है आप जब अपने एक्सिस ड्रॉ करते थे तो 4 किस्म के जो है एक्सिस ड्रॉ करते थे इस तरीके से, आपको याद होगा ग्राफ। इसे हम कहते थे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे हम कहते थे बेटे सेकंड क्वाड्रेंट, इसे कहते थे हम थर्ड क्वाड्रेंट, इसे हम कहते थे फोर्थ क्वाड्रेंट। और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस था, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस था, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस था और ये नेगेटिव वाई एक्सिस था। ठीक। अच्छा अब हम इन ऑर्डर पेयर्स को क्या है क्वाड्रेंट्स में ड्रॉ करेंगे। तो बेटे देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है, तो मैं यहां पे ऑर्डर पेयर लिखूंगा एक्स कॉमा वाई, या इसको मैं फिर प्लस में लिखूंगा तो प्लस कॉमा प्लस का पेयर बनेगा। आइए सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ मूव करते हैं। सेकंड में एक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव है, इसका मतलब है माइनस एक्स कॉमा वाई, इसका मतलब है माइनस कॉमा प्लस का पेयर बनेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे तो एक्स भी नेगेटिव है वाई भी नेगेटिव है, तो माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई, यानी कि माइनस कॉमा माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं तो एक्स है पॉजिटिव और वाई है नेगेटिव, तो इसका मतलब है एक्स कॉमा माइनस वाई बनेगा पेयर, इसका मतलब है प्लस कॉमा माइनस। अब हम एक काम करते हैं, तो ये करते हैं आप स्क्रीनशॉट भी लेते रहिएगा लेक्चर के दौरान और इसके अलावा नोट डाउन भी करते रहिएगा। अब देखिए मैं आपसे 4 MCQs बना के पूछ रहा हूँ और मैं आपसे पूछूंगा कि कौन सा ऑर्डर पेयर किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। देखिए साथ साथ मैं करूंगा कि आपको वो बातें भी बताऊं जो MCQs में पूछी जाती हैं। अब आइए जरा देखते हैं अपने लेक्चर को आगे की जाने पढ़ाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 यहाँ पे लिख रहा हूँ, फाइव कॉमा फोर दोनों पॉजिटिव हैं, तो वो पूछेगा आपसे लाइज इन डैश क्वाड्रेंट, किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो दोनों पॉजिटिव हैं तो आप डायग्राम को देखते भी रहेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट कहेंगे आप। इसके बाद एग्जांपल नंबर 2 -3.2। अब देखें एक्स नेगेटिव हो गया बेटे और वाई पॉजिटिव हो गया, तो इसका मतलब है लाइज इन कहां पे लाइज करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज करेगा। इसके बाद आइए बेटा अगली एग्जांपल की जानिब। तो अगली एग्जांपल में जब हम बढ़ते हैं तो अगली एग्जांपल में मैं ले रहा हूं -1 -6। देखें दोनों ही नेगेटिव है तो मैं लिखूंगा लाइज, वो पूछ रहा है एग्जामिनर आपसे लाइज इन विच क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, तो आप थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है बेटे। इसके बाद चौथा आप यहां पे लिखेंगे 7 -3 लाइज इन
फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि एक्स यहां पर क्या है आपके पास पॉजिटिव है और वाई क्या है बेटे नेगेटिव है। अच्छा आप इसके अलावा एक एमसीक्यू और हो सकता है, ऐसी पोजीशन है जो इस डायग्राम में देखेंगे तो ओरिजिन होगा यहां पे ओ, यहां पे एक्स की वैल्यू भी जीरो और वाई की वैल्यू भी जीरो, तो जीरो कॉमा जीरो लाइज एट कहां पर मौजूद है ओरिजिन पे मौजूद है। तो जनाब ये हमारे पास पांच एमसीक्यूज ऑलरेडी तैयार हैं हमारे लेक्चर के, ठीक है। अच्छा अब मैं आपके पास ये काम कर रहा हूं, ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं बेटा, लेक्चर इंशाल्लाह ताला रिकॉर्ड भी हो रहा है और एज वेल एज आप लोग टाइम पर क्लास को ज्वाइन करेंगे बेटे और मेरे साथ साथ अपना रजिस्टर खोल के रखेंगे और उसको नोट डाउन करेंगे लेक्चर। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये कम से कम देखें आप लोगों का लेक्चर रिपीट नहीं होगा क्योंकि ये तकरीबन 3-4 महीने आपको ऑनलाइन क्लासेस पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। और अपने साथ जो है आपने क्या करना है, किताब भी खोल के रखना है, किताब का मैं पेज नंबर पढ़ूंगा, एक्सरसाइज नंबर पढ़ूंगा, सवाल पढ़ के उसका डाटा बनाऊंगा और उसका सोल्यूशन यहाँ पे शेयर करूंगा बेटा। अब आइए बेटा इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ो अपने लेक्चर की जानिब। आज हमारा इंट्रोडक्शन का लेक्चर है बेटे, अच्छा अब देखिए बेटे हमारे पास यहां पर मैं आपको पहला आर्टिकल पढ़ाने जा रहा हूं स्ट्रेट लाइन, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 का नाम है, चैप्टर नंबर 2 पढ़े हैं दी स्ट्रेट लाइन। हम क्या करेंगे स्ट्रेट लाइन के बजाय हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। तो पहला जो हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 2.1, मैं यहां पर पेन लिख रहा हूं आपके पास A2 और पहला आर्टिकल यहां पे लिख रहा हूं डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। पहला फॉर्मूला आपको समझाने जा रहा हूं इस चैप्टर का और इस एक्सरसाइज का, इस पूरी एक्सरसाइज में एक ही फॉर्मूला इस्तेमाल होगा और वो होगा आपके पास डिस्टेंस फॉर्मूला। अब देखिएगा बेटा मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की, अच्छा देखिए जब भी फॉर्मूला हम डिफाइन करते हैं फॉर्मूला हमेशा जनरल फॉर्म में होता है। अब पहला पॉइंट यहां पे ले रहा हूं x1, y1, ठीक है पहला पॉइंट, और दूसरा पॉइंट है बेटा x2, y2। अब हमारा टारगेट ये कि इस लाइन सेगमेंट में ये दो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के दरमियान का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है और डिस्टेंस को डी से जाहिर करेंगे डी क्वेश्चन मार्क, और सिंपल सा फॉर्मूला है डी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है और आपको याद होगा अगर, क्योंकि अब तो काफी टाइम हो गया है आपने फर्स्ट ईयर के पेपर में नहीं दिए, और फर्स्ट ईयर के पेपर में हमने एक कोसाइन लॉ पढ़ा था और कोसाइन लॉ ड्राइव करने आता है इम्तिहान में, और कोसाइन लॉ में यही डिस्टेंस फॉर्मूला इस्तेमाल किया था जिसके में हमने इसको प्रूव किया था। अच्छा अब देखिए बेटा मैं एक एग्जाम्पल करवा रहा हूँ आपको और एक एग्जाम्पल के जरिए मैं इस फॉर्मूले को डिफाइन करूंगा। अब देखिए बेटा यहां पर एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं, ठीक है एग्जाम्पल सिंपल सा न्यूमेरिकल
फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। ठीक है बेटा, अब देखिए बेटा पॉइंट्स में यहां पे ले रहा हूं 5.4 एंड ले रहा हूं 1.3। ठीक है, अब क्या करना है, सबसे पहले ये डिस्टेंस फॉर्मूला देना है, d इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। अच्छा बेटे, हमेशा याद रखिएगा जब भी एक लाइन सेगमेंट होगी तो हमेशा पहला पॉइंट आप लोग सपोज करेंगे एक्स वन वाई वन और सेकंड वाला हमेशा आप x2 y2 सपोज करेंगे। अब फॉर्मूले में पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा वो डिस्टेंस कहलाएगा। अब जरा देखिएगा बेटा d इज इक्वल टू अंडर रूट, अब जरा देखिए गौर से, ये मेरे मार्कर की पोजीशन को देखिएगा, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो इसका मतलब ये होगा मैं फॉर्मूले में क्या करूंगा x2 minus x1, x2 क्या है 1 है माइनस फॉर्मूले का, x1 क्या है 5 है, तो मैंने लिखा 5, फिर इसका स्क्वायर कर दूंगा प्लस बेटे y2 माइनस y1, y2 क्या है 3 है माइनस y1 क्या है 4, तो यहां पे 4 लिखा आपने, स्क्वायर बना दिया और ये स्क्वायर रूट। अब जरा देखिए बेटा, अब देखिए बेटा 1 माइनस 5 कितना होता है माइनस 4, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस। ठीक है, और 3 माइनस 4 माइनस 1 हो जाएगा, माइनस वन का स्क्वायर, स्क्वायर से माइनस क्या बन जाता है प्लस बन जाता है, और फोर का स्क्वायर हो गया 16 प्लस, स्क्वायर से माइनस बन गया प्लस, वन का स्क्वायर वन हो गया, 16 प्लस वन कितना होता है 17 हो जाता है। अच्छा 17 एक ऐसा नंबर है जिसका इस परफेक्ट स्क्वायर नहीं। अच्छा अब आप लोगों को याद है कि भाई परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, 25 का रूट निकलता है 5, 9 का 3, 16 का 4, 1 का रूट 1 होता है, 100 का रूट 10 होता है, ये परफेक्ट स्क्वायर कहलाते हैं। मगर 17 एक ऐसा नंबर है जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता, तो आप लोगों ने ये नहीं करना है कि कैलकुलेटर की मदद से आप इस अंडर रूट 17 की वैल्यू डेसिमल में कन्वर्ट करके लिखें। हम डेसिमल में कन्वर्ट करके नहीं लिखते, बल्कि जो परफेक्ट स्क्वायर रूट आता है उसका तो आंसर लिख देते हैं वही, मगर जो नंबर विदाउट परफेक्ट स्क्वायर होता है उसको ऐसे ही रहने देंगे आप, और हम यहां पे इसकी यूनिट लाएंगे UNIT यूनिट। अच्छा याद रहे कि फिजिक्स हम नहीं पढ़ रहे, फिजिक्स वाले क्या करते हैं डिस्टेंस की यूनिट सेंटीमीटर में लगाते हैं, मीटर में लगाते हैं, किलोमीटर में लगाते हैं, मगर हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और मैथमेटिक्स में मैथमेटिशियंस जो होते हैं वो डिस्टेंस की यूनिट को यूनिट लिखते हैं UNIT। तो आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, और इसके अलावा जो है रिकॉर्डिंग भी जारी है, इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग भी आपसे शेयर हो जाएगी, एज वेल एज जो है आप लोग जो है इस अपने रजिस्टर में इस लेक्चर को नोट डाउन भी करें लेक्चर वाइज। इसके बाद आप लोग अपनी बुक खोलिएगा एक्सरसाइज नंबर 2.1, और पूरी एक्सरसाइज में एक ही फॉर्मूला संभाल होगा। अब हमने करना क्या है कि डिस्टेंस फॉर्मूला संभाल करना है, पेज नंबर 52 खोलिएगा और क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज का करवा रहा हूं मैं, और एमसीक्यूज में सिर्फ एक मैं आपको करवाऊंगा, बाकी आपको होमवर्क दूंगा जनाब, और बहुत आसान सा कैलकुलेट करना है आपने डिस्टेंस फॉर्मूला। तो अब जरा देखिएगा, यहां पर मैं लिखवा एक्सरसाइज टू पॉइंट वन क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज में आता है, इसका पहला पार्ट करवा रहा हूं जनाब मैं। अब जरा इसको देखिएगा, मैं सवाल पढ़ रहा हूं आपके सामने, अपनी बुक को देखिएगा, कह रहे हैं जनाब फाइंड द डिस्टेंस। अच्छा एक बात और बता दूं, वो लव्स डिस्टेंस भी कह सकता है और लेंथ भी कह सकता है। देखो लेंथ के मायने भी क्या होते हैं, फासला मालूम करना या डिस्टेंस मालूम करना, तो इसका मतलब ये होगा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। इसके कई पार्ट हैं, एक पहला पार्ट में डिस्कस कर रहा हूं, P1 एक पॉइंट है -3, -1 और P2
सेकंड पॉइंट दिया हुआ है 9.4। ठीक है भाई, अब देखें क्योंकि एमसीक्यूज में आएगा सिर्फ, तो आपने डिस्टेंस फॉर्मूला लिख देना है, d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखें बेटा, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो भी पॉइंट आपको पहले दिया जाएगा p1 है तो ये x1 y1 सपोज करेंगे और p2 को x2 y2 सपोज करेंगे, इस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे और सिंपलीफाई करेंगे। अब देखें बेटा, d इज इक्वल टू अंडर रूट, देखें बेटा क्या होगा, x2 माइनस x1 9 माइनस फॉर्मूले का, और x1 ऑलरेडी क्या है -3 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 लिखेंगे आप, इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस। बेटा इसके बाद क्या करेंगे, y2 माइनस y1, y2 यहां पे क्या है आपको पिक्चर में नजर आ रहा है 4, माइनस फॉर्मूले का होता है, और y1 जो है ऑलरेडी क्या है -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। अच्छा भाई, अब देखिए भाई, 9 प्लस 3 कितना होता है आपके पास, 12, 12 का स्क्वायर करेंगे, 4 प्लस 1 कितना हो गया 5, 5 का स्क्वायर करेंगे, इनके स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर लीजिए, 12 का स्क्वायर 144 होगा और प्लस ये 25 होगा जनाब, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या नंबर बनता है, 5 प्लस 4 9 बन जाएगा, ये 6 बन जाएगा 1, अंडर रूट 169, 169 का परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलता है, आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं और जुबानी याद भी होना चाहिए, 13 आएगा, और इसके साथ क्या लगाएंगे, यूनिट्स लगाएंगे। अब आपने करना क्या है, आपको मैं एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं, होमवर्क और या असाइनमेंट कह लें आप, आपने बाकी पार्ट्स क्वेश्चन 1, ऑल पार्ट्स डू योरसेल्फ, आपने खुद करने हैं इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए। अच्छा, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही काम करना है, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 में जो है वही एमसीक्यूज है, दो पॉइंट्स दिए जाएंगे और दोनों के दरमियान आपने डिस्टेंस फॉर्मूला कैलकुलेट करना होगा जनाब। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 करें या ना करें। अच्छा, इसके साथ ही मैं आपको इस पूरी एक्सरसाइज के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मार्क आउट करवा देता हूं यहां पर। ठीक है बेटे, अब देखिए, वैसे तो हम इस एक्सरसाइज के तकरीबन 18 सवाल हैं, मगर जो है मैं मैक्सिमम क्वेश्चन कुछ होमवर्क भी दूंगा, खुद भी कराऊंगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द एग्जाम, मोस्ट इंपॉर्टेंट वो जनाब क्वेश्चन नंबर 14 आता है एग्जाम में, क्वेश्चन नंबर 15 आता है और क्वेश्चन नंबर 16 आता है, और ये सेक्शन सी में लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में आएंगे, सेम मार्क्स का सवाल होगा एग्जाम में। ठीक है बेटा, हम ये तीनों सवाल मैं आपको करवाऊंगा, इसके अलावा भी और सवाल मैं कराऊंगा, कुछ मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, मगर ये आज पहला लेक्चर है सेकेंड ईयर मैथ्स का, और मैंने इसमें इंट्रोडक्शन आपको बताया है, इंट्रोडक्शन में हमने जो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं और फॉर्मूला हमने इस्तेमाल करना सीखा है, जो कि हमारे पास जो है पूरी एक्सरसाइज में इस्तेमाल होगा 18 के 18 सवाल में। क्वेश्चन नंबर 1 के आप तमाम पार्ट्स कर लीजिएगा, एज वेल एज क्वेश्चन नंबर 2 आप करें ना करें कोई मसला नहीं है, मगर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 से मैं दोबारा इसको कंटिन्यू करूंगा। अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और अब जो जो रजिस्टर खोल के बैठे हुए वो रजिस्टर में अपने नोट डाउन करिए, मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं आपको। अमन, नहीं 5:55 हो गए, इसलिए कह रहा हूँ। हाँ बस इंट्रोडक्शन मैंने हो गया, लेक्चर तो हो गया। तो बेटे मैं आज मेरा जो है चैप्टर 2 और एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन था। आज हमने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा है, डिस्टेंस फार्मूला समझा है, इसको इस्तेमाल करना सीखा है, कुछ एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं और इस एक्सरसाइज के मोस्ट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, जो कि तकरीबन 1 साल छोड़ के जो आपके बोर्ड के पेपर में आते हैं, सेक्शन सी में लॉन्ग
क्वेश्चन 7 मार्क्स का एक सवाल आता है, वो क्वेश्चन नंबर 14 आता है, 15 आता है और 16 आता है। अच्छा, आपको जो है अब डरने की जरूरत नहीं फर्स्ट मैथ्स की तरह, क्योंकि फर्स्ट मैथ्स में आपको पता है कि फॉर्मूलाज की डेरिवेशन भी आती थी, मगर सेकेंड मैथ्स में किसी भी फॉर्मूले की डेरिवेशन हमें नहीं करनी है। ये बहुत अच्छी बात है, और बस हमने इस फॉर्मूले को अच्छी तरह समझना है, पढ़ना है और उसको एक्सरसाइज जो है अप्लाई करके उसका सोल्यूशन हासिल करना है। तो इसके साथ ही बेटा आज का मेरा वीडियो जो है आपका अख्तिताम पजीर होता है। इंशाल्लाह ताला कल हम इसके आगे के सवाल जो है हम करेंगे, डिस्कस करेंगे। अपने साथ बेटा एक बता दूं, देखें 3 से 4 महीने आपको ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ेंगी। आप लोग इसमें सीरियस हो जाइए बेटा अपनी पढ़ाई के मामले में। कोर्स जो है बहुत लंबा होता है और मुश्किल भी कोर्स। आप अपने साथ एक तो टाइम पर इन हो क्लास में, ठीक है, इसके अलावा लॉग इन हो क्लास में, एज वेल एज अपने साथ सेकेंड रखें, रजिस्टर रखें अपना, और इसके अलावा कैलकुलेटर भी साथ साथ रखिए, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं और अगले सवाल इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे हम। अल्लाह हाफिज़।